हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल उपकरण में। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको टॉप 5 लैपटॉप्स के बारे में जो मिल रहे हैं 40,000 की रेंज के अंदर। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लैपटॉप की अगर बात कर ली जाए तो वो आ रहा है असूस का वीवो बुक 14, जो कि आपको 2021 का मॉडल देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की अगर बात कर ली जाए, 14 इंच की एलईडी फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल रही है। अगर प्रोसेसर की बात कर ली जाए, i3 का 11th जनरेशन प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल रहा है। क्लॉक स्पीड की अगर बात कर ली जाए, 3.00 गीगाहर्ट्ज़ बेस स्पीड आपको इसमें देखने मिलेगी। लेकिन अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात कर ली जाए तो 4.1 गीगाहर्ट्ज़ की मैक्स सर्वो स्पीड आपको इसको इसमें देखने को मिलती है। मेमोरी की अगर बात कर लूं, 8 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की आपको इसमें रैम देखने को मिल रही है, जिसको आप अपग्रेड करके 12 GB तक कर सकते हैं। स्टोरेज की बात कर लूं, 250 GB NVMe M.2 SSD आपको देखने को मिल रही है। जी हाँ, ये SSD काफी स्पीड SSD होती है और नॉर्मली आपको 45,000 के ऊपर की लैपटॉप्स में देखने को मिलती है, पर आज के सेगमेंट में जो हम आपके लिए असूस का वीवो बुक 40 ले गए आ रहे आए हैं, इसमें ये आपको देखने को मिल रही है। इस लैपटॉप के अंदर आपको एक इम्पैटी स्लॉट मिल जाता है, जो कि साटा स्लॉट है, जिसमें आप बाद में साटा लगाकर अपना काम कर सकते हैं। ग्राफिक की अगर बात कर ली जाए, इंटीग्रेटेड इंटेल UHD ग्राफिक आपको देखने को मिल रहा है। USD मतलब अल्ट्रा SSD। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात कर ली जाए, विंडो 10 आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रही है और आपको प्री इंस्टॉल्ड MS ऑफिस मिल रहा है। तो अब घबराना बिल्कुल नहीं है, आप सारे काम इजिली कर सकते हैं। बैटरी की अगर बात कर ली जाए, 37 वॉट आवर की आपको इसमें बैटरी देखने को मिलती है। कंपनी क्लेम करती है कि वो 6 आवर की बैटरी बैकअप ये लैपटॉप आपको दे देगा, बट अगर कंपनी की बातों से हम अलग हटकर रियलिटी की बात करें तो आपको ये 4 से 5 घंटे की बैटरी लाइफ देगा। अदर फीचर्स के अंदर अगर बात कर लें तो वाईफाई आपको 5 इसमें सपोर्टेड है। इस पूरे लैपटॉप की अगर मैं बात कर लूं, अब अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि छोटा है, कॉम्पैक्ट है, कहीं भी ले जाने में आसान है, तो और बाकी इसकी स्पीड वगैरह भी काफी अच्छी है, तो अगर आपको ऐसा ही लैपटॉप चाहिए तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। इसकी प्राइसिंग की अगर बात कर लो, 3,990 रुपीज में आपको ये लैपटॉप इजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आइए अब दूसरे लैपटॉप को भी हम देख लेते हैं। दूसरा लैपटॉप जो आ रहा है वो आ रहा है लेनोवो आइडिया पैड स्लिम 3। जी हाँ, इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो 15.6 की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल रही है, विद 220 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। प्रोसेसर की अगर मैं बात कर लूं, AMD राइजन 3 3250U आपको देखने को मिल रहा है। अब मेरे काफी दोस्त ऐसे होंगे जिनके मन में कंफ्यूजन है, यार इंटेल लूं या राइजन लूं, राइजन तो शायद खराब होता होगा या ऐसा होता होगा वैसा होता होगा। तो भाई बात सुन लो, अगर आपको नहीं पता है इंटेल और राइजन में क्या फर्क है, तो मैं एक वीडियो आपको अपने ऊपर आई कार्ड बटन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप उस वीडियो को पूरा देख लें, काफी नॉलेज आपको मिलेगी। उसके बाद आप चूज कर सकते हो कि आपको इंटेल के साथ जाना है या राइजन के साथ जाना है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी की अगर बात कर लूं, 8 GB की DDR4 2400 आपको इसमें रैम देखने को मिलेगी। अपग्रेड करके ये आपको 12 GB तक आप इसको कर सकते हैं। स्टोरेज की अगर बात कर ली जाए, 256 GB की SSD इसमें आपको लगी हुई मिलेगी। क्लॉक स्पीड की अगर बात कर लूँ, बेस 2.6 GHz रहने वाला है और मैक्सिमम अगर मैं बात कर लूँ 3.5 GHz आपको क्लॉक स्पीड इसमें देखने को मिलेगी। ग्राफिक्स की अगर बात कर ली जाए, इंटीग्रेटेड AMD रेडियन ग्राफिक आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात कर लूँ तो विंडो 10 आपको मिलेगा MS ऑफिस के साथ लाइफ टाइम। जी हाँ, बैटरी की भी बात अगर अप कर ली जाए तो 45 वॉट आवर की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि बैटरी 10 आवर चलती है, बट कंपनी की बातों से अलग मैं बता दूं, 7 से 8 घंटा ये आपको इजिली आवर अच्छा आपको दे बैकअप दे देगी। पर इसमें एक ऐसा फीचर है जो आपको काफी पसंद आने वाला है, रैपिड चार्ज, जो कि आपकी 80% लैपटॉप की बैटरी को 1 आवर में चार्ज कर देगा। काफी अच्छा सा ये लैपटॉप, स्क्रीन भी इसकी बड़ी है। बाकी ये इसमें AMD राइजन का प्रोसेसर दिया हुआ है, तो ये वो भी बहुत अच्छा है। और अगर मैं आपको बता दूं कि इंटेल और राइजन के बीच में अगर आपको फर्क जानना है, तो मैं लिंक में अपने
अपनी वो इंटेल वर्सेस राइजन की वीडियो डाल दूंगा, और मैं खुद एएमडी राइजन का ही पीसी यूज करता हूँ। इसके प्राइसिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपको मिलेगा 36,990 रुपीज में। आपको मैं ये भी बता दूं कि आपको इंटेल के मुकाबले एएमडी राइजन कम प्राइस में ज्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ और ज्यादा बेटर क्वालिटी के साथ मिलता है। तो चलिए आइए अगले लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं। अगला लैपटॉप हमारा आ रहा है डेल की तरफ से, डेल 15, जो कि 2021 का मॉडल है। इसके डिस्प्ले की अगर बात कर ली जाए, 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर आपको इसमें देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात कर लें तो इसमें भी राइजन 3 का डुअल कोर 3250U देखने को मिल रहा है। क्लॉक स्पीड की अगर मैं बात कर लूं, 2.6 गीगाहर्ट की आपको क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी। इसकी जो मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी है ना, मेमोरी की अगर मैं बात कर लूं, 8 GB की आपको DDR4 रैम देखने को मिलेगी 2400 MHz की। तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, आप इसको आप 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। स्टोरेज की अगर बात कर ली जाए तो 256 GB की आपको इसमें SSD देखने को मिल जाएगी। ग्राफिक्स की अगर मैं बात कर लूं, AMD राइजन का वेगा आपको जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड इसमें देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात कर ली जाए, विंडो 10 आपको MS ऑफिस के साथ मिलने वाला है। बैटरी आवर कंपनी क्लेम करती है कि 7 आवर की बैटरी बैकअप देखता है, पर आप इसको 5 से 6 घंटे लेकर चलो। अदर फीचर के अंदर इस लैपटॉप में डेल मोबाइल कनेक्ट का एक फीचर दिया गया है, जो कि बहुत औसम सा फीचर है। इस फीचर को यूज करके आप विदाउट कोई केबल अपने लैपटॉप से फोन में अटैच करके फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि काफी सेफ वे है फाइल ट्रांसफर करने का। जी हाँ, तो ये स्पेशल फीचर और साथ में इसकी स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है, राइजन का इसमें आपको प्रोसेसर दिया हुआ है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन ना काफी अच्छा सा लैपटॉप इसको बना देता है। इसकी प्राइसिंग की अगर बात कर लूं तो इसकी प्राइसिंग आपको पड़ती है 39,990 रुपीज। ठीक है, आप इसको जाकर परचेज कर सकते हो। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो हम आपके लिए इनके लिंक्स भी लेकर आएंगे। तो चलिए अगले लैपटॉप की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और कमेंट जरूर करें। अगला जो लैपटॉप है वो आया है एसर एस्पायर 5। जी हाँ, इसकी अगर डिस्प्ले की बात कर लूं, 40 इंचेस की LED बैकलिट TFT LCD देखने को मिलती है। इसके प्रोसेसर की अगर बात कर ली जाए, इंटेल का i3 11th जनरेशन प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है। मेमोरी की अगर बात कर ली जाए, 4 GB की DDR4 जो है आपकी अपग्रेडेबल है अप टू 20 GB। जी हाँ, आपकी जो 4 GB की DDR4 इसमें मिल रही है ना, बाद में आप इसको अपग्रेड करके 20 GB तक कर सकते हैं। स्टोरेज की अगर मैं बात कर लूं, 250 GB की स्टोरेज आपको SSD इसमें देखने को तो मिल ही रही है, प्लस साथ में आपको HDD भी सपोर्टेड है, जो कि आप 2 TB तक लगा सकते हैं, वो भी 5400 RPM की। तो इस हिसाब से मतलब SSD भी है, HDD भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी 2 TB तक, तो काफी अच्छा सा कॉम्बिनेशन। ग्राफिक की अगर बात कर लूं, इंटीग्रेटर आपको मिलने वाला है इंटेल की तरफ से, UHD ग्राफिक आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात कर ली जाए, विंडो 10 आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। कंपनी क्लेम करती है अप टू 11 आवर, बट ये आपको 9 से 10 घंटा देखने को मिलेगी। अगर इसकी प्राइसिंग की मैं बात कर लूं तो आपको ये मिलेगा 36,999 रुपीज में। ठीक है, अब आप जाकर इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं, और आगे हम आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो लाए आप हमें वो सजेशंस भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा लैपटॉप आ रहा है वो है लेनोवो का V15। जी हाँ, डिस्प्ले की अगर बात कर लूं, 15.6 इंचेस की एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल रही है। प्रोसेसर की अगर बात कर ली जाए, इंटेल का i3 11th जनरेशन प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है। 4 GB की DDR4 रैम आपको 32 जो आपको 100 MHz की मिल रही है, इसको आप बाद में अपग्रेड करके 12 GB तक कर सकते हैं। स्टोरेज की अगर मैं बात कर लूं, 256 GB की SSD आपको इसमें लगी हुई मिलेगी। क्लॉक स्पीड की अगर मैं बात कर लूं, बेस 3 GHz का है, बट मैक्सिमम आप इसको
4.1 की स्पीड है। ग्राफिक्स की अगर बात कर लूं, इंटीग्रेटेड मिलने वाला है इंटेल की तरफ से अल्ट्रा एचडी का। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो 10 है, आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा एमएस ऑफिस। जितने भी मैंने आपको लैपटॉप दिखाए, इन लैपटॉप्स के अंदर जो एमएस ऑफिस जिसमें भी मिल रहा है वो आपको 2019 का मिल रहा है। ओके, बैटरी की अगर मैं बात करूं, 38 वाट आवर की आपको बैटरी मिलेगी। कंपनी क्लेम करती है 5.5 आवर की बैटरी बैकअप देकर, बट आप इसको 3.5 और 4 आवर मानकर चलो, उससे ज्यादा नहीं देगा। तो मैंने आपको आज इतने सारे लैपटॉप्स दिखाए, ठीक है, इनमें काफी हर लैपटॉप में अलग अलग स्पेसिफिकेशंस थी, ठीक है, बट आप अपने हिसाब से चूज करना कि आपको किस काम के लिए कौन सा लैपटॉप चाहिए, है ना। उसके लिए आप मेरी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो, ठीक है, जो मैं लिंक में डाल दूंगा। बट आप इंटेल और राइजन की जो मैंने वीडियो डाली है उसको जरूर देखना, तब आपका एक विजन क्लियर होगा कि आपको लैपटॉप जो लेना है वो आखिर किस काम के लिए लेना है और कौन सा प्रोसेसर आपको अच्छा रहेगा। अगर आप अभी कोई काम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए काफी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। इसकी प्राइसिंग भी लगभग 36,990 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा।